देखिए किसान भाइयों, जब हम फूलगोभी या बंदा गोभी उगाते हैं और रांची जैसे जगह पे झारखंड के प्रदेश में हम लोग उगाते हैं तो ऑफ सीजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रदेश है ये राउंड द ईयर गोभी वर्गीय फसलों के लिए जाना जाता है। बरसात में भी उगाते हैं, गर्मी में भी उगाते हैं। मुख्य सीजन में जब हम उगाते हैं, जब हमारा उत्पाद दिसंबर और जनवरी में आता है, तब कीड़े रोग की समस्या नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है कीड़े का पर अटैक होने लगता है। नवंबर से पहले अगर हमारा उत्पाद आता है, चाहे वो फरवरी से लेकर नवंबर तक के बीच बात करें, जिसमें गर्मा फसल है, बरसात का फसल है, आघात फसल है, तो इसमें कीड़े और बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, हमें ये ध्यान देना होता है कि हम अपने खेतों की सर सफाई रखें और जब जब हमें आवश्यकता हो, शुरुआती दिनों से ही जो भी खरपतवार हो, खेत के अगल बगल में चौड़े पत्ते वाले जो होते हैं घास खरपतवार, उसे हर सफाई करनी होती है, क्योंकि उसी से कीड़े होस्ट के रूप में वो उसको संरक्षण देते हैं। जब फसल नहीं रहते हैं तो फिर उसे हमारे खेतों में आ जाते हैं, तो इससे हम बचेंगे। और कीटनाशक का प्रयोग हम अवश्य करेंगे। इसमें जैसे इमिडाक्लोरपिड नाम की सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आती है, शुरुआती दिनों में जैसे हम लगा देंगे, उसके 15 दिनों बाद जो पहली कोड़ाई करके जब हम उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, खुदाई करके खुरपी करके, उस समय अवस्था में ही एक बार एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरपिड नाम की एक दवा है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं। फिर 15 दिनों पर इसी दवा का प्रयोग करते हैं 2 बार। फिर तीसरी बार एक और दवा आती है जो क्यूराक्रॉन नाम की दवा है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से 2 छिड़काव करते हैं। अगर हम 4 छिड़काव इस तरीके से कर देते हैं तो हमारा गोभी वर्गीय फसल बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और ये चीज़ ध्यान रखें कि जब अगर हम खेतों में मूवमेंट करें, कहीं पत्ते में छेद दिखाई दे, तो हमें सजग हो जाना है और तुरंत हमें एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो इमिडाक्लोरपिड नाम की दवा है या क्यूराक्रॉन जैसी दवा है, उसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ एक चीज़ हम किसान भाइयों को ये भी बताते चले, जब हम गर्मा फसल या बरसात की फसल करते हैं या आघात फसल करते हैं, तो आम तौर पर टांड जमीन में करते हैं, बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी होती है, ऊपरी ज़मीन, उसमें हम इसकी खेती करते हैं, तो इसमें हमें कंपोस्ट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो मेरा फसल है, ये बहुत फसल है, वो उसको बहुत अधिक हमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और ये ऊपरी टांड वाली बलवाही मिट्टी होती है, इसमें कार्बनिक तत्व भी कम होते हैं और पोषक तत्व भी सफिशियंट मात्रा में नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से या 8 से 10 टन प्रति एकड़ की दर से कंपोस्ट, सड़ा हुआ गोबर खाद या कंपोस्ट जिसे हम कहते हैं, FYM भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो इसको हमें डालना होता है। साथ ही साथ जब हम इसमें देखते हैं तो हमें इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उचित मात्रा डालनी होती है। जैसे 100 से 120 केजी नाइट्रोजन, 60 से 80 केजी फास्फोरस और 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास की आवश्यकता होती है। ये हुआ। दूसरा कि अगर मोलिब्डेनम की कमी होगी तो इसके पत्ते छोटे छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, इससे समस्या आएगी। तो अगर हम इसका प्रबंधन करना चाहते हैं तो हमें चूना देना होगा। प्रति हेक्टेयर 3 से 5 क्विंटल की दर से लाइमिंग करेंगे, चूना डालेंगे या डोलोमाइट डालेंगे अपने खेतों में, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अम्लीय मिट्टी आमतौर पर उदासीनता की ओर चला जाएगा, उसका पीएच मान 7 के आसपास कर देंगे, तो फिर बोरान और मोलिब्डेनम हमारी मिट्टी में है मौजूद, लेकिन अम्लीयता के वजह से पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से समस्या आती है। अब है कि अगर हमें अम्लीयता उसके बाद भी अगर आपको समस्या लगता है, तो हम या तो पोरेक्स नाम की एक दवा आती है जो वाटर सॉल्युबल होता है, उसका 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के अपने फसल में 2 बार छिड़काव करनी चाहिए, फूल आने से पहले और बंधा गोभी के बंधा गांठ बनने से पहले। और मोलिब्डेनम भी, अमोनियम मोलिब्डेट नाम की एक दवा आती है, उसका भी 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के 2 छिड़काव करनी चाहिए। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप पोरेक्स का आप मिट्टी में मिला सकते हैं बुवाई से पहले, रोपाई से पहले। साथ ही साथ अमोनियम मोलिब्डेट है, उसका भी 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो छिड़काव के लिए दवा आती है वो जल में घुलनशील दवा होती है और वो दवा जो है सो थोड़ी महंगी होती है। तो वो जब छिड़काव के लिए ले तो अलग लें, 1-1 kg का पैकेट आएगा, 0.5 kg का पैकेट आएगा और घुलनशील होगा, ये थोड़ी महंगी होगी। जब आप मिट्टी में डालने वाले बोरेक्स या अमोनियम मोलिब्डेट का खरीदने जाएंगे तो कहेंगे दुकानदार से, हमें खेत में डालना है, मिट्टी में डालना है, अपेक्षाकृत सस्ती होती है और मिट्टी में डालने योग्य होती है ये। अगर इस दवा को अगर हम घुलनशील बनाना चाहेंगे, एक तो ठीक से घुलेगा नहीं, दूसरी बात जो आप स्प्रेयर इस्तेमाल करेंगे उसको भी चॉक कर देगा, जाम कर देगा।